डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसे यजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेज। आज हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए लाइट सोर्स। मान लो अपने पास कोई लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है, ये इसकी जो पावर है ये पी है। सपोज दैट कोई बल्ब है जिसकी पावर है पी। तो देखो पावर क्या होती है, हमने पढ़ा है, पावर होता है वर्क डन पर सेकेंड। क्लियर है, वर्क अपॉन टाइम जो होता है उसको हम पावर बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर टाइम की वैल्यू वन हो जाए तो उस समय जो पावर है वो वर्क के इक्वल हो जाती है। तो देखो कैसे आता है फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए लाइट सोर्स। तो अपने पास एक लाइट सोर्स है जिसकी पावर है पी, तो इससे फोटॉन्स निकल रहे हैं। मान लो इससे जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उन फोटोनों की एनर्जी है E, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, तो एनर्जी हो जाएगी इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है, तो इससे E एनर्जी या फिर हम ऐसे बोले न्यू फ्रीक्वेंसी की कोई फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे इससे पर सेकेंड उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपना n इक्वल्स टू पी अपॉन e, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, p इज पावर एंड e इज एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर है, देखो फॉर्मूला कैसे आया है। अगर आपसे कोई पूछे कि t टाइम में कितने निकलेंगे, तो हम इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये पर सेकेंड इतने निकल रहे हैं, तो t टाइम में अगर आपने से पूछ रहा है तो उस t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा टी टाइम के लिए। बट अपने को पर सेकंड की हम बात करें, तो देखो पर सेकंड का मतलब ये होगा उस केस में जो पावर है वो वर्क के इक्वल होगा, वर्क के मतलब एनर्जी के इक्वल होगा। तो देखो इस बल्ब की जो टोटल पावर है वो पी है और उसमें नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे हैं एन पर सेकेंड, और हर उसकी एनर्जी है ई। तो देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी इक्वल्स टू एन ई। क्लियर है, तो यहीं से आ जाता है एन इक्वल्स टू P अपॉन E। तो ये फॉर्मूला अपने को लर्न करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड P बाई E। तो E को आगे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी होती है सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन को आप लिख सकते हो H इंटू न्यू, या फिर इसी फॉर्मूले को हम आगे लिख सकते हैं H, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम C बाई लेमडा। तो ये हो जाएगा C अपॉन में लेमडा, तो लेमडा पल्टी मार के ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। अब इनमें से कोई भी जो भी अपने को डेटा गिवन होगा न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला सेलेक्ट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फॉर्मूलाज हैं, सॉरी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इनके ऊपर बेस्ड हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो एग्जाम्पल एस टाइप से आते हैं अपने, जैसे सपोज दैट अपने पास एक कोई लाइट सोर्स है जिसकी पावर है 20 वाट। क्लियर है, इससे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं और उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है सपोज दैट 2 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो अपने से पूछा गया है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड फाइंड आउट कीजिए, यहां पर नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, इमिटेड पर सेकेंड, ध्यान रखना पर सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू p अपॉन e। तो देखो अपने को फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम डायरेक्ट ये वाला रिलेशन अप्लाई कर देंगे। तो p इक्वल्स टू हम लिख देंगे e की जगह h न्यू। अब अपने को पावर गिवन है देखो 20, एच की वैल्यू अपने को पता होता है कॉन्स्टेंट है 6.60 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10 टू पावर 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड अपने पास आ जाएंगे। क्लियर है, ऐसे ही और टाइप की जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से हो सकते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है, मान लो कोई लाइट सोर्स है ये। क्लियर है, इस लाइट सोर्स से ई एनर्जी का फोटोन
जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं इस लाइट सोर्स से, उसकी वेवलेंथ अपने को दे देगा। सपोज दैट उससे जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा है, या लैम्डा की कुछ भी वैल्यू आपको दे दे। सपोज दैट यहाँ से फोटोन एमिट्स हो रहे हैं 5×10⁻¹ वेवलेंथ के, तो अपने से पूछा जा सकता है कि भाई बताओ उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने एमिट होंगे। इसकी पावर अपने को गिवन होगी, सपोज दैट इसकी पावर है 30 वाट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन अप्लाई कर देंगे और यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे। इनमें से कोई ना एक फॉर्मूला अपने को सिलेक्ट करना होगा यहाँ से, तो हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। थैंक यू।